नमस्कार। सीबीआई और महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारों को गिरफ्तार किया है। सचिन अंधुरे यह इस हत्यारे का नाम है और उसे औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास रिवॉल्वर मिला। पुलिस का संदेह है कि इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल दाभोलकर मर्डर में किया गया। आपको मालूम होगा कि 10 दिन पहले मुंबई के पास नालासोपारा में महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन से संबंधित और हिंदू जनजागृति के कार्यकर्ता वैभव राउत को गिरफ्तार किया था। राउत के घर से 8 बम डिटोनेटर्स और बम बनाने का सामान पुलिस ने बरामद किया था। वैभव राउत के साथ साथ और 2 कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि इन्होंने जो जानकारी दी है उसके आधार पर उन्होंने सचिन अंधुरे को गिरफ्तार किया है और उन्होंने उसने मान लिया है कि मैंने दाभोलकर पर गोली चलाई थी। अगर सचमुच महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआई ने डॉक्टर दाभोलकर का हत्यारा पकड़ा है तो उनका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन क्या सचिन अंधुरे सचमुच डॉक्टर दाभोलकर का हत्यारा है? उसने सचमुच गोली चलाई थी? ये सवाल अभी उभर रहे हैं। सचिन अंधुरे से गिरफ्तारी से ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। इसके पहले महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआई ने बताया था कि दाभोलकर के शूटर्स एब्सकॉन्डिंग है। इन शूटर्स में सारंग अकोलकर और विनय पवार का नाम था जो एनआईए के नेशनल एब्सकॉन्डर्स लिस्ट पर है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के मर्डर के चार्जशीट अगर हम देखें तो उसमें भी इन्हीं के नाम शूटर करके है। इसके साथ साथ विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है वो भी सीबीआई और महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर सचिन अंधुरे शूटर है, उसने हमला किया है, उसने गोली चलाई है, तो सारंग अकोलकर या विनय पवार ने क्या किया था? इसमें से एक कहानी सच हो सकती है और एक कहानी झूठ। पहली कहानी अगर सच होगी तो दूसरी झूठ है। अगर सचिन अंधुरे की कहानी सच होगी तो सारंग अकोलकर और विनय पवार पर जो इल्जाम लगाया वो गलत है। सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस को यह साफ करना होगा कि इसमें सच क्या है, क्योंकि पहले भी जब सीबीआई ने और एटीएस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था तो बड़े सवाल खड़े किए थे। खास करके सनातन के जो वकील है उन्होंने इस बार भी सचिन अंधुरे को जब पुलिस कस्टडी मिली उसी वक्त भी कोर्ट में यही सवाल खड़े किए कि अगर सचिन अंधुरे ने गोली चलाई तो अकोलकर और विनय पवार ने क्या किया। डॉक्टर दाभोलकर की हत्या हुई थी 20 अगस्त 2013 को। 2014 में पुणे पुलिस ने नागौरी और खंडेलवाल नाम के 2 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि इनके पास एक रिवॉल्वर मिला है जिससे शायद डॉक्टर दाभोलकर पर गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस कुछ एविडेंस दे नहीं सकी। कुछ दिन बाद इन दोनों को बेल मिल गया। आज उसके बारे में सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कहती, इसलिए बहुत सारे शक पैदा होते हैं। लोग पूछ रहे हैं जो कार्रवाई पुलिस कर रही है या सीबीआई कर रही है क्या उसमें दम है, उनके पास एविडेंस है? क्योंकि ये मामला कोर्ट में जाएगा और समझ लो ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी किसका अभिनंदन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला अभी चलेगा, केस क्रैक होने में अभी बहुत समय है। महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआई का अभिनंदन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने जो काम किया है वो कर्नाटक एसआईटी के टिप्स पर किया है। कर्नाटक एसआईटी ने इनको जानकारी दी थी कि नालासोपारा में ये वैभव राउत जो है वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। कर्नाटक पुलिस यहां आने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही महाराष्ट्र एटीएस ने नालासोपारा में जाकर वैभव राउत और बाद में पुणे में और एक जगह से उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 महीने में कर्नाटक एसआईटी ने गौरी लंकेश केस में जो एविडेंस इकट्ठा किया है वो बड़ा मजबूत है। उन्होंने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें से कई सारे
गौरी लंकेश के मर्डर में इन्वॉल्व थे। ये जो 12 लोग हैं, इसमें से जो प्रमुख व्यक्ति है वो सनातन से संबंधित है या फिर राम सेने से संबंधित है या फिर हिंदू जन जागृति से संबंधित है। इसलिए हमें पहले कर्नाटक पुलिस का अभिनंदन करना चाहिए और कर्नाटक सरकार को भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अभी तक इस केस में नहीं किया है। इनके जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआई आगे गई है। लेकिन मैं सचमुच में अभिनंदन करना चाहता हूँ मुंबई हाईकोर्ट का और दाभोलकर और पानसरे फैमिली के जो वकील है अभय नयोगी उनका, क्योंकि 2015 में उन्होंने पिटिशन किया। 15 से लेकर 18 तक 3 साल ये पिटिशन कोर्ट में है और ये अभी जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो मुंबई हाईकोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है। 2 साल पहले सीबीआई और एटीएस ने सनातन से संबंधित वीरेंद्र तावड़े और समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया था। इन दोनों का कहना है, यानी सीबीआई और एटीएस का कहना है कि वीरेंद्र तावड़े इस सारे मामले का, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश मामले का मास्टरमाइंड है। इसने ही पूरी तरह से प्लान बनाया और एग्जीक्यूट किया है। लेकिन पिछले दो साल इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं गया, इसलिए कोर्ट ने पिछले तारीख को पुलिस को लताड़ा और पूछा, अगर कर्नाटक पुलिस इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अगर आगे जा सकती है तो महाराष्ट्र एटीएस और सभी सीबीआई कुछ क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद सीबीआई और महाराष्ट्र एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के पृष्ठभूमि में सनातन पर और हिंदू जनजागृति जैसे हिंदुत्ववादी आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने की मांग भी आगे आ रही है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ये मांग की है। महाराष्ट्र के बहुत सारे बुद्धिजीवी पिछले 4 साल से यही मांग करते आए हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कहा है कि 2011 में उन्हें महाराष्ट्र एटीएस ने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट में सनातन की गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ था और सनातन पर बैन लगाने की सिफारिश इन्होंने की थी। पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि उन्होंने ये रिपोर्ट यूपीए सरकार में जो गृहमंत्री थे उस वक्त, पहले पी चिदम्बरम थे बाद में सुशील कुमार शिंदे थे, दोनों के पास भेजा था। लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2014 में तो मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे ये अपेक्षा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पहले 2013 में नरेंद्र मोदी ने गोवा में से हिंदू जन जागृति का जो अधिवेशन हो रहा था उसको शुभेच्छा संदेश दिया था। जो राजनेता हिंदू जन जागृति के जैसे आतंकवादी संगठन को इस प्रकार का संदेशा भेजता है वो क्या इनके ऊपर सचमुच कार्रवाई करेगा? जिस प्रकार से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट हो या समझौता एक्सप्रेस के मामले में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ और प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को बेल मिल गया, उसी प्रकार से इस मामले में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? इसलिए कांग्रेस राष्ट्रवादी एक बात कर रही है, आज जब सत्ता में नहीं है तो कह रही है कि सनातन पर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन सनातन ने जो बम विस्फोट किए, मड़गांव में हो या फिर थाने में हो या फिर दो असफल कोशिशें भी की नई मुंबई में और पनवेल में, ये सारे बॉम्ब फोट जब यूपीए सत्ता में थी तभी हुए हैं। डॉक्टर दाभोलकर का मर्डर 2013 में था, हुआ तब यूपीए ही सत्ता में थी। सवाल ये उठता है कि इनको सब मालूम था, अगर सनातन उस वक्त भी आतंकवादी कार्रवा गतिविधियां कर रही थी तब इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, शिवसेना पर आरोप लगा रहे हैं,
लेकिन पहले इनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र एटीएस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें एक शिवसेना का भूतपूर्व कॉरपोरेटर भी है। शिवसेना ने कहा है कि अभी हमारा इसके साथ कुछ संबंध नहीं है, लेकिन जब नालासोपारा में वैभव राउत के समर्थन में मोर्चा निकला था तो इसमें बहुत सारे लोग शिवसेना से संबंधित थे। शिवसेना और उद्धव ठाकरे को यह बताना होगा कि क्या हो रहा है। शिवसेना कहती है कि हमारे सामने प्रबोधनकार ठाकरे का आदर्श है। प्रबोधनकार ठाकरे महाराष्ट्र के एक बड़े रिफॉर्मिस्ट है, उन्होंने धर्मांधता को हमेशा विरोध किया है। अगर शिवसेना सनातन से कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखती है तो उनको बताना होगा कि वो अपने प्रबोधनकार ठाकरे के बारे में जो उनका स्टैंड है, जो उनको आदर्श मानते हैं, उसका क्या करेंगे। प्रबोधनकार ठाकरे बालासाहेब ठाकरे के पिता थे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। शिवसेना अगर सनातन का समर्थन करती है तो शिवसेना के साथ, शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद, आतंकवाद जुड़ जाएगा। आपको याद होगा जब मालेगांव मामले में प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था और उनको कोर्ट में लाया था तो शिवसेना और बीजेपी दोनों ने इनका समर्थन किया था और इनके ऊपर फूल बरसाए थे। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि शिवसेना इसका खुलासा करे। भारत सरकार ने सिमी और जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाई है। अगर सरकार सिमी और जाकिर नाइक पर पाबंदी लगा सकती है तो सनातन पर कार्रवाई करने से क्यों कतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को इसका जवाब देना होगा। क्या सिमी और जाकिर नाइक मुस्लिम समुदाय से है इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है, और सनातन और हिंदू जन जागृति हिंदुत्ववादी समुदाय से है इसलिए उनको बचाया जा रहा है। सनातन पर पाबंदी लगाने के लिए बहुत सारे सबूत आज पुलिस और सरकार के पास है, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस मीडिया को ये बता रही है कि हमारे पास सनातन और हिंदू जन जागृति या राम सेने के खिलाफ कुछ सबूत अभी तक नहीं है। एक तो ये झूठ बोल रहे या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस को और सीबीआई को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि दाभोलकर पानसरे की हत्या के आरोप में सीबीआई और एटीएस ने पहले वीरेंद्र तावड़े और समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया था। ये दोनों सनातन के साधक थे। इसके पहले एफडीए ने भी सनातन के पनवेल आश्रम पर एक रेड मारी थी, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल ड्रग्स मिले थे। ये भी मामला कोर्ट में है, लेकिन इसमें आगे क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। इसलिए सवाल ये उठता है कि पुलिस पर किसका दबाव है या नहीं। पहले जब कांग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता में थे तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, अभी फडणवीस सरकार है तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्या दोनों पार्टियों के कुछ राजनेता सनातन को बचा रहे हैं, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री आर पाटिल ने एक बार मुझे बताया था कि अगर हम सनातन या किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन पर कार्रवाई करेंगे तो चुनाव में इसका बैकलैश होगा। क्या इस प्रकार के चुनावी बैकलैश के डर से सनातन और हिंदू जागरण को बचाया जा रहा है? इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सबूत है तो पाबंदी लगानी चाहिए। और जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुषार गांधी ने कहा कि ऐसे आतंकवादी संगठन का सोशल बायकॉट भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, सोशल बायकॉट नहीं होता, सरकार इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाती, तो और किसी का खून होगा या फिर कहां बॉम्ब स्फोट होगा ये हम बता नहीं सकते। ये खतरनाक संगठन है, ये खतरनाक कल्ट है, ये आतंकवादी कल्ट है, इसको रोकना होगा।